पाठ तीन, शरारती चीकू। बंदर मंकी, परेशान ट्रबल्ड, शिकायत कंप्लेंट, खबर इन्फॉर्म, धन्यवाद थैंक्स। शरारती नॉटी, गुस्सा एंग्री, दया पिटी, अस्पताल हॉस्पिटल, माफी मांगना अपॉलॉजी। मुहावरा, आंखों में आंसू आना, पछतावा होना। भाषा से सही विकल्प चुनिए। चीकू कहाँ रहता था? चंपक वन में। हिंदी के शिक्षक कौन थे? हाथी दादा। चीकू को अस्पताल कौन ले गया? जोजो। वाक्य पूरे कीजिए। चीकू एक बंदर था, हाथी दादा शिक्षक थे, जोजो एक जिराफ था, भोलू भालू डॉक्टर था। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चीकू से कौन परेशान था? चीकू से सभी परेशान थे। चीकू ने हाथी दादा के साथ क्या शरारत की? चीकू ने हाथी दादा के आगे केले का छिलका फेंक दिया। जोजो चीकू को अस्पताल क्यों ले गया था? जोजो को चीकू की हालत देखकर दया आ गई, इसलिए वह चीकू को अस्पताल ले गया था। डॉक्टर भोलू ने चीकू के बारे में क्या बताया? डॉक्टर भोलू ने बताया कि चीकू का इलाज करना पड़ेगा। तोड़ना, तैरना, खेलना, पकड़ना, नहाना, बनाना, चुनना, लेटना, खाना, पीना। उपर्युक्त शब्द किसी न किसी कार्य के करने या होने का बोध करा रहे हैं। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पर गोला लगाइए। चीकू को बहुत गुस्सा आया, आया। चीकू ने हाथी दादा के आगे केले का छिलका फेंक दिया, फेंक दिया। चीकू ने सड़क पर छलांग लगा दी, लगा दी। चीकू ने सभी से माफी मांगी, मांगी। मिलान कीजिए। परेशान ट्रबल्ड, माफी अपॉलॉजी, सड़क रोड, अस्पताल हॉस्पिटल। संयुक्त वर्णों का प्रयोग कर शब्द बनाइए। आधा स क स्क, स्कूल मुस्कान। आधा स त स्त, रास्ता बस्ता। आधा स प स्प, अस्पताल स्पर्श। आधा न य न्य, धन्यवाद सन्यास। सुलेख, शरारत मत कर, सबका कहना मान। श्रुतलेख, शरारती हिंदी, गुस्सा शिक्षक। बंदर लंगड़ा छलांग धन्यवाद, डॉक्टर निश्चय। अच्छे काम करने वालों के लिए प्रसन्नचित चेहरा और अच्छे काम नहीं करने वालों के लिए दुखी चेहरा बनाइए।